दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरदार अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मर्चेंट नेवी में जो फोर्थ इंजीनियर की रैंक होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसका जॉब क्या होता है, उसका जो वॉच ड्यूरेशन ECR रूम में होता है, इंजन कंट्रोल रूम में, वो कब से कब तक होता है और उसकी सैलरी कितनी होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिगार्डिंग हमेशा एक वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज फोर्थ इंजीनियर के बारे में जान लेते हैं। कि फोर्थ इंजीनियर के बारे में हम लोग जानते हैं, तो देखिए फोर्थ इंजीनियर जो होता है उसकी जो रैंक होती है मर्चेंट नेवी में, वो जूनियर इंजीनियर के रैंक पर आता है। ठीक है, मैंने एज ए सीनियर वो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर इंजीनियर देखा जाए तो जूनियर इंजीनियर के बाद फोर्थ इंजीनियर सबसे इंजीनियर डिपार्टमेंट में लो रैंक है, उसके बाद थर्ड इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर और हाइएस्ट रैंक इंजन डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर होता है। उसकी ऑलेट की बात कर ले तो उसका जो बेच होता है उसमें एक स्ट्रिप लगा होता है, उससे आप समझ जाएंगे कि ये फोर्थ इंजीनियर है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मतलब उसको कौन कौन सा वर्क करना ही करना पड़ता है। तो उसको इंजन रूम में जितने भी मशीन होते हैं उन सबका मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर्थ इंजीनियर को है। उसके साथ साथ स्पेशली जो उसको पर डे करना ही करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे स्टेयरिंग गियर रूम का मेंटेनेंस पर डे करना है। स्टेयरिंग गियर का जो स्टेयरिंग गियर रूम होता है उसका देख रेख उसको पर डे करना है। उसके बाद जितने भी मशीन है उनका लुब्रिकेटिंग सिस्टम भी उसको पर डे ही करना है। ठीक है, पर डे उसको स्टेयरिंग गियर का रूम करना है, उसके बाद लुब्रिकेटिंग सिस्टम जितने भी मशीन में है सबको उसको देखना है, उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसका मेंटेनेंस करना है। यानी तीन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम है, उसको करना ही करना है। उसके बाद उसकी जॉब, तो मैंने आपको तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि उसके अंडर ये तीन चीज़ आती है, स्टेयरिंग गियर रूम का पूरा मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर्थ इंजीनियर की ही होती है। इसके अलावा वो अपना इंजन रूम में मेंटेनेंस वगैरह का भी काम करता है। अब इसकी हम लोग वॉच बता देते हैं कि इसका जो ड्यूटी पीरियड होता है वो कब से कब होता है। ठीक है, तो जो इसका ड्यूटी टाइम होता है वो आपका सुबह 8 से लेके दोपहर को 12 तक होता है और फिर रात को 8 से लेके रात को 12 तक होता है। इसको इस कंडीशन में, इस टाइम में इंजन कंट्रोल रूम में रहना ही पड़ता है, क्योंकि इसका जो वॉच कीपिंग जो होता है, मतलब इंजन ECR रूम में जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी टाइमिंग 8 से 12, फिर रात को 8 से 12 होती है। और इसकी अगर हम सैलरी की बात कर लें तो अगर फोर्थ इंजीनियर अगर FG वेसल पर शेयर कर रहा है ITF कंपनी में है तो इसकी सैलरी कम से कम 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपये होती है। 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपये इसकी होगी ही होगी सैलरी, इससे कम नहीं हो सकती है। तो यही एक छोटी सी फोर्थ इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो थी। अगर आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।